जिला यमुनानगर से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं। एक बार फिर से फायरिंग चलने का मामला सामने आया है। जी हां, शहर जगाधरी थाना क्षेत्र में बैलगढ़ वाली गली में बाइक सवार युवकों ने फायरिंग की। वह सेठानी गली निवासी मुकेश उर्फ मनी को गोली मारने के इरादे से आए थे, लेकिन मनी किसी तरह से बच गया। इसी दौरान फायरिंग से एक शरा 11 वर्षीय कृष्णा को लगा, जिससे कृष्णा मौके पर घायल हो गया, लेकिन वारदात को अंजाम देकर हमलावर मौके से भाग निकले। मंगलवार की शाम करीब 7:30 बजे के करीब का समय था, जब मुकेश अपनी गली में घूम रहा था, तभी बाइक पर 3 युवक आए और आते ही उन्होंने पिस्टल निकाली और मुकेश पर फायर कर दिया। किसी तरह से मुकेश बच गया। इसी दौरान पास से गुजर रहे कृष्णा की बाजू में वो शरा लग गया। हमलावरों में 2 की पहचान सौरभ व दीपक के रूप में हुई है। फायरिंग की घटना से पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच कर रही है। वही बताया जा रहा है कि करीब 3 वर्ष पहले हत्या के एक केस में मुकेश का नाम निकल गया था, जिसके बाद से ही उससे हमलावरों की रंजिश बनी हुई थी। इस रंजिश की वजह से हमला किया जाना माना जा रहा है। फिलहाल यमुनानगर से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं। बढ़ती गुंडागर्दी के चलते एक बार फिर से जिला यमुनानगर में फायरिंग का मामला सामने आया है। इस समय की तमाम तस्वीरें आपको जगाधरी थाना क्षेत्र से दिखा रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि बाइक सवार हमलावर किसी को मारने के इरादे से आए थे, लेकिन जिसे मारने आए थे वो तो बच गया, लेकिन फायरिंग के दौरान एक 11 साल का मासूम बच्चा, जी है, उसे शरा लगने से वो बच्चा जो है घायल हो गया। आगे के इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, लेकिन मौके से जो हमलावर है वो वारदात को अंजाम देकर मौके से रफू चक्कर हो जाते हैं। तस्वीरें इस समय की आपको जगाधरी थाना से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मौके पर जो डीएसपी हैं वो कार्यवाही करने के लिए यहां पर पहुंच चुके हैं। आए दिन इस तरह के जो मामले हैं जिला यमुनानगर में सामने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इन सब घटनाओं के चलते जिला वासियों के अंदर एक खौफ पैदा हो चुका है, क्योंकि कोई भी अपने आप में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। आप देख सकते हैं किस तरह से आए दिन फायरिंग के मामले, कभी स्नैचिंग के मामले, कभी गुंडागर्दी के मामले जो है सामने आते हैं। लोग बहुत ही ज्यादा, जिलावासी बहुत ही ज्यादा सहम चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, क्योंकि हर कोई जो है इस तरह की घटनाओं को देखकर हर किसी के अंदर एक खौफ देखने को मिल रहा है। इस समय की तमाम तस्वीरें आपको जगह बुढ़िया थाने से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बुढ़िया चौकी से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बढ़ती गुंडागर्दी के चलते ये बड़ा मामला जो है सामने आया है। तमाम तस्वीरें आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं। अपील करते हैं इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर। जख्म ज्यादा है, मगाई होता जना कोई पटाखा फूका फूक गया दिखे, मगाई सा जना जल्दी डॉक्टर पे लेके जाओ। इतनी बात हो ही रही थी तो गली में देखा था पुलिस ही पुलिस करके नीचे मेरे, क्या लगे यहाँ बच्चे के किसी के लगा, मगा मेरे बच्चे के लगे पोते के, फिर घबराहट हो गई एकदम। फिर आ गया जी उन्होंने बताया, फिर वो बोल रहे आगे पहले डॉक्टर पे लेके जाओ। फिर डॉक्टर पे लेके गए, उन्होंने उसके जना इंजेक्शन लगाया, पट्टी करी, दुआई दुआई लगाई, है पोता। क्या नाम है जी आपके पोते का? कृष्णा। उम्र कितनी है? 11 साल। आपका नाम? विजय कुमार। ये बात है 6:53 की। अच्छा जी, ठीक है सर। यहाँ पर अभी हम खड़े थे, हमें लगा कि अभी दो ऐसे ऐसे आवाज़ है जैसे बम बजे हो। पहले एक बम बजा, फिर ऐसे हमने सोचा कि बम बजे हैं, बच्चे पटाखे चला रहे हैं, पर बाहर आकर देखा तो सिल्वर स्प्लेंडर पर 3 लड़के आ रखे थे और एक एक्टिवा पे बंदा जा रहा था, उसको मारने के लिए वो आए हुए थे। तो आपने किसी ने मोटरसाइकिल का नंबर नोट किया जी? नहीं जी, वो बड़ी स्पीड में थे, अभी हमने सीसीटीवी कैमरे में भी देखा है तो बहुत ज़्यादा स्पीड में थे। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम संजीव जांगड़े जी। आपकी यहाँ शॉप है सर? नहीं, मेरा घर है ये, यहाँ पर मैं रेजिडेंस यहाँ पर ही है, यही के वास्ते में। क्या कह रहे हैं सर? एक खोल बरामद कर लिया पुलिस वालों ने, और एक हमारी गली में लड़का भी है, छोटा बच्चा, उसको छर्रा भी लगाया, वो भी अपना फर्स्ट एड करवा के आया है। ये एक मुकेश उर्फ मन्नी है, सन ऑफ दिनेश कुमार उर्फ धन्ना, जाति राजपूत। ये पंसारी बाजार से गुजर रहा था, पीछे पीछे 3 बाइक सवार आए जिन्होंने इसके ऊपर 2 फायर किए। इसका तो नहीं लगा, लेकिन एक छोटा सा बच्चा है 11 साल का, उसके बाई कुल्ले पे थोड़ा सा निशान लगा है, क्रॉस हो गया उसके पास से, और तो इसने शोर मचाया और एक्टिवा छोड़कर भाग गया, तो पीछे पीछे वही भाग गया, लेकिन उनको नहीं मिला और इसका बचाव हो गया। तो पता चला सर कुल कितने हमलावर थे, कितने लोग? 3 आदमी बताया था, 3 बाइक सवार आए थे। हाँ, ये भी 302 में से अभी बाहर ही आया है, मार्च में आया है ये। 2020 में एक मर्डर हो गया था बस स्टैंड पर, उस केस में गया था अंदर। तो अकेला ही था सर ये एक्टिवा पे? ये अकेला था।
तो सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, जिला यमुनानगर में आए दिन जो है क्राइम बढ़ता ही जा रहा है? नहीं, इसे जो क्राइम बढ़ रहा है हमको ट्रेस आउट भी कर रहे हैं। आने वाले समय में क्या कुछ कार्यवाही की जाएगी? हाँ, इसमें अभियोग अंकित कर चुके हैं और इसमें चारों CIA की टीम बना के सभी को भेज दिए हैं। हमें भी हो सकता है आज रात को इनको राउंड अप करेंगे कोशिश। थैंक यू।